नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह नई उमंग के साथ मैं आपका दोस्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करियर बिट के इस फैमिली में। दोस्तों, देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए NCTE ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन आप मेरे पुराने वीडियोज़ के थ्रू ले सकते हैं। और साथ ही साथ NCTE अभी भी लगातार प्रयासरत है कि वह ऐसे कौन से कदम और उठा सकता है जिससे देश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसी के क्रम में NCTE, NCERT और CBSE के साथ मिलकर के CTET के परीक्षा के प्रारूप में अहम बदलाव करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में ही चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोग को पेपर में निकली उस आर्टिकल को भी दिखाऊंगा जिसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी CTET की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भी यह वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए ताकि आप अपने आप को उस बदलाव के लिए तैयार कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, CTET की परीक्षा में NCTE दो महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिसमें पहला बदलाव है कि अभी तक जो CTET की परीक्षा होती थी वह ऑफलाइन मोड में होती थी, यानी पेन और पेपर पे होती थी, लेकिन अब से जो CTET की परीक्षा होगी वह इसी साल से मीन्स 2018 से ही लागू हो गया है कि अब आपकी जो CTET की परीक्षा होगी वह ऑनलाइन मोड में होगी। और दूसरे बदलाव की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी तक क्या था कि CTET में अभ्यर्थी के केवल ज्ञान और उसके कौशल की परीक्षा ली जाती थी, लेकिन 2018 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उसके रवैये यानी कि उसकी एटीट्यूड की भी परीक्षा ली जाएगी, ऐसा प्रस्तावित है। दोस्तों, NCTE के चीफ मिस्टर ए मैथ्यू का कहना ये है कि चूंकि टीचर का रवैया बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि उसका रवैया ही शिक्षक को उसके पास या उससे दूर लेके जाता है, तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए उन्होंने CBSE और NCERT की एक टीम के साथ बाकायदा इसके विषय पे चर्चा की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब से CTET की परीक्षा में ना सिर्फ अभ्यर्थी के ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली जाएगी बल्कि उसके एटीट्यूड की भी परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, इसका प्रारूप कैसा होगा, मीन्स जैसे 5 सेक्शन के एग्ज़ाम होते हैं, क्या 6ठा सेक्शन बनाया जाएगा या फिर उसी में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे 5 सेक्शंस में, यह अभी क्लियर होना बाकी है। जैसे ही इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को वह पेपर की आर्टिकल दिखा देता हूँ जिसमें यह सब बातें कही गई हैं। देखिए दोस्तों, यही वो आर्टिकल है, अब ऑनलाइन होगी CTET की परीक्षा। मैं बहुत जल्दी से इसे पढ़ देता हूँ। देश में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब CTET का आयोजन लिखित प्रारूप पेन पेपर की जगह ऑनलाइन प्रारूप में होगा। NCTE के प्रमुख ए संतोष मैथ्यू ने बताया कि देश के शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिषद ने बहुत सारे उपाय किए हैं। इनमें CTET के पेपर से लेकर परीक्षा आयोजित होने वाले तरीकों सभी में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले इन परीक्षाओं को पेन पेपर मोड से बदलकर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ चर्चा हो गई है। इस परीक्षा का आयोजन पूरे देश में CBSE ही करता है। मैथ्यू ने बताया कि इसके अलावा परिषद परीक्षा के ढांचे में भी बदलाव करने जा रहा है। अभी तक CTET के जरिए शिक्षकों के ज्ञान और कौशल की परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब इसमें शिक्षक के रवैये यानी कि एटीट्यूड की भी परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद प्रशिक्षण परिषद NCERT और विशेषज्ञों के साथ इसके पैटर्न तैयार कर लिया गया है। मैथ्यू का कहना है कि शिक्षकों की गुणवत्ता में
उनका रवैया सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब तक इसकी परीक्षा नहीं ली जाती थी, उन्होंने बताया कि सैद्धांतिक रूप से इस बात का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, यही न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह न्यूज़ पसंद आई है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक बने रहिए करियर बिट की इस फैमिली में। धन्यवाद।